हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक माय न्यू अनदर वीडियो। सो गाइस सर कैसी हो, उम्मीद करता हूँ सारा न्यू अच्छी होगी। गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, गाइस अगर आपने यहाँ परचेज कर लिया है वीवो T2 Pro 5G, यस अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है कि भाई आपके फ़ोन में यहाँ पे जो 4G वोल्ट का नेटवर्क और जो 5G का नेटवर्क अच्छे से वर्क नहीं कर रहा, आपने बहुत ज़्यादा कोशिश कर ली और आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हो रहा है, आज की वीडियो में हम तुमको बताने वाले हैं कि जो इसकी सेटिंग है गाइस क्या इसकी सेटिंग, ठीक है आपको क्या क्या करना चाहिए। वीडियो को पूरा वॉच करना, वीडियो अच्छी लगी भाई को जरूर सपोर्ट करना, चैनल को करना सब्सक्राइब प्रेस कर देना, तुम्हारा भाई कहाँ पे इस तरीके वीडियो लेके आता रहता है, ठीक है। इससे आपको सबसे अपने फोन की सेटिंग में क्लिक करना है। आपका जैसे अपने फोन की सेटिंग में आप जाओगे, यहाँ जाने के बाद आपको हमें लगा देखो नेटवर्क एंड इंटरनेट, ठीक है आपको जस्ट यहाँ पे क्लिक कर देना है इस जगह, ठीक है। आपका जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ क्लिक करने के बाद अब आपको मिलेगा यहाँ पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क, ठीक है जिस आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले मैं आपको एक एडवांस चीज बता दूँ, जैसे अगर आप किसी बंदे के पास कॉल करते हो, ठीक है कॉल करते टाइम गए आपके फोन में यहाँ पर इंटरनेट नहीं चलता, तो आपको नॉर्मली ये वाला जो ऑप्शन है ऑन कर लेना है, जिसके आपके फोन में जब किसी बंदे के पास आप कॉल करोगे, कॉल करते टाइम गए आपके फोन में इंटरनेट काम करना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये करने के बाद आपको सिंपल सा नीचे दो सिम दिख रही होंगी गए, और अगर देखो यहाँ पे जो सिम दिख रही है इस पर आप कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करना, आपकी मेरे से बात बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये कस्टमर का फोन है। जस्ट इसमें मैं जस्ट क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। और जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ क्लिक करने के बाद नॉर्मली मेरे को यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा रोमिंग का, ठीक है। अब जस्ट मैं इस रोमिंग को ऑन कर लूँगा, यहाँ से आपकी ऑलरेडी ऑन हो तो ऑन रहने देना है। ऑन करने के बाद आपको स्क्रॉल अप करना है यहाँ पे, तो इस बंदे ने यहाँ पे ऑलरेडी 3G कर रखा है, जैसे आपको इस पर क्लिक करना है, यहाँ क्लिक करके जैसे आपको यहाँ पर 5G वाले मोड पे जस्ट क्लिक कर लेना, ठीक है। जैसे कि आपके फोन में स्पीड आएगी ऑटोमेटिक आपका फोन यहाँ पे आपको स्पीड ले लेगा, ठीक है। और अगर थोड़ी मार्केट यहाँ पे ओपन हो चुका है तो यार प्लीज़ थोड़े बच्चों वगैरह की किसी की आवाज़ आ रही हो बैकग्राउंड में तो कमेंट में करना भाई तेरे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही है, क्योंकि ना थोड़े बच्चे वगैरह यहाँ पर रो रहे हैं यार, मुझे नहीं पता क्यों रो रहे हैं, ठीक है। अगर सामने हमें कोई ऑप्शन मिलेगा यहाँ पर एक्सेस पर नेम, ठीक है आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है, यहाँ पर जैसे क्लिक करोगे अब जस्ट आपको 3 डॉट मिलेंगे यहाँ पे, यहाँ आपको जस्ट क्लिक कर देना, ठीक है। जिसका जब आप रिसेट डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना, आपकी ये पिन सेट नॉर्मली पूरी फोन यहाँ पर रिसेट हो जाएगी। उसके बाद जैसे अगर आपको यहाँ से बैक होना है, एक बार फिर यहाँ से आपको बैक होना है, फिर आपको सेकंड सिम को जो आप क्लिक कर लेना, ठीक है। जस्ट मैं सेकंड सिम पर क्लिक कर लेता हूँ, उसके बाद अब आपको मिलेगा देखो यहाँ पे सेकंड नंबर यहाँ पे सबसे पहले रोमिंग नंबर, ठीक है। आपको जस्ट ये वो ऑप्शन यहाँ पे रोमिंग वाला ऑन कर लेना, गैस ये ऑन करने के बाद अब आपको मिलेगा यहाँ पे देखो प्रीपेड नेटवर्क टैग, जस्ट आपको 5G वाला मोड ले लेना है। 5G वाला मोड लेने के बाद जैसे आपको यहाँ पे चीज़ देख रहे हैं, यहाँ पे मिलेगा आपको वोल्टी, गैस आपके फोन में वोल्टी ऑफ है तो आपको वोल्टी ऑन कर लेना, ठीक है। और जैसे इसको ऑन कर लेना गैस, अब आपको मिलेगा देखो यहाँ पे देख रहा होगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसके जैसे आपको क्लिक करना है, जैसे यहाँ पे क्लिक करके अच्छी सर्चिंग मिलेगा, जब तक इसको सर्चिंग ले लेना जब तक ये सर्चिंग पूरी नहीं कर लेता, ठीक है। जैसे ये सर्चिंग पूरी कर लेता ये एकदम स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप होने के बाद यहाँ पे हमारे फोन में कुछ नेटवर्क्स आएंगे, वहाँ पे कैसे हम फाइंड करेंगे भाई हमारे फोन में अंदर से कोई नेटवर्क सेटिंग प्रॉब्लम है, कैसे हमारे फोन में अंदर से कोई नेटवर्क ऐसी प्रॉब्लम है, तो कैसे फाइंड करेंगे हम थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं, यहाँ पर सर्चिंग चल रही है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देखो नेटवर्क वाइस यहाँ पे आ जाएंगे, अब आपको मिलेगा BI इंडिया, सबसे पहले ऊपर का जो दिख रहा होगा यहाँ पे कनेक्ट लिखा हुआ, ठीक है। अब आपको क्या करना, कुछ भी लिखा हो कोई से आपको फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे अगर यहाँ पे कनेक्टेड हो जाता है इस तरीके से, तो बस आपके फोन में कोई प्रॉब्लम है, आपकी नेटवर्क सेटिंग होती अगर यहाँ पे लिखा रहा है फेल्ड या नॉट कनेक्टेड, तो आपके फोन में अंदर से मदरबोर्ड से प्रॉब्लम है, बस आप कितनी कोशिश करो आपका फोन प्रॉब्लम नहीं होगा, बस आपको अपना फोन रिपेयर ही कराना पड़ेगा, ठीक है। हॉपलिक से आपको इसकी जो नेटवर्क की सेटिंग होती है नॉर्मली मैंने आपको पूरी पूरी बता दी है, बाकी इसमें आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अगर आपके फोन में यहाँ पे अपडेट आ गया ना तो पहले अपने फोन को एक बार अपडेट कर लेना, अपडेट करने के बाद आपके फोन में जो भी छोटे मोटे बग्स होते हैं वो ऑटोमेटिक भी सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम आपको मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक लिए बाय, टेक केयर, बंदे मातरम, लव यू, टाटा बाय।